हाय फ्रेंड, राधे राधे। सुबह हो गई है, आज अनामिका का स्कूल है तो अनामिका को रेडी कर रहे हैं। अनामिका के लिए कद्दू सब्जी और आलू का पराठा बना रहे हैं। अब अनामिका अभी नहा रही है, नहा के आए थे, पटापड़ों से रेडी करूँगी तब तक उसका बहन आ जाएगा। अनामिका स्कूल के लिए रेडी हो गई है, अनामिका स्कूल जा रही है। दी अनामिका स्कूल जा रही है, नामिका की बहन आएगी तो नामिका स्कूल चली जाएगी। बॉटल के लिए टीचर से बोलना कि टीचर मेरी बॉटल छूट गई फ्राइडे को, तो कहाँ है तो दे दीजिए। ठीक, फ्राइडे को स्कूल गई थी, अपने पानी पीने की बॉटल छोड़ के चले आए। मेरा अपनी बॉटल ले वाली छोड़ के आ गई स्कूल में। लेके आना है स्नैक्स और आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और आलू का पराठा। आलू का पराठा आज आलू का पराठा लेके जाना। मम्मा बहुत अच्छी है। अभी अनामिका की बहन नहीं आई है, उसी का वेट कर रहे हैं। उसकी बहन आ जाए तभी उनके पापा का टिफिन रेडी करेंगे। अनामिका की बहन आ गई, अनामिका स्कूल चली गई। अब चल रही मैं अनामिका के पापा का टिफिन रेडी करूँगी फटाफट से। अब अनामिका के पापा भी ऑफिस चले गए, अब मैं चल रही हूँ आज अपने पेड़ों के पास। अब कल भी नहीं जा पाए थे पेड़ों को देखने अपने, इसलिए आज जाना ज़रूरी है। तो पहले पेड़ों को देखूँगी अपने कि कैसे हैं वो, ठीक है कि नहीं। बारिश में किसी किसी गमले में ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। कुछ प्लांट मैंने अंदर रख रखे हैं, जैसे एलोवेरा और स्नैक का। मैं पहुंच गई हूँ अपने छत पे। पेड़ पौधे तो ठीक है, पानी तो किसी में ज़्यादा नहीं है, देख रहे हैं सब मस्त हैं। देखिए सब मस्त हैं, तुलसी भी समी समी में एक फूल हो रहा है। सोच रही हूँ मैं सावन तक ये मस्त बड़ा हो जाएगा तो शंकर जी को चढ़ाने को होगा सावन में। संची को दो फूल और खिल चुके हैं इसमें, जो मैंने चढ़ा दिया था, एक तो सूख गया था, एक मैंने शंकर जी को चढ़ाया था। एक और फूल हो रहा है, और फूल नहीं हो रहा है, देख रही हूँ और कहीं भी हो रहा हो तो अच्छा है। सावन के लिए दो तीन फूल मिल जाएगा अपने को चढ़ाने के लिए शंकर जी को, लेकिन एक लिया। आज भी अपराजिता में लग रहा है, एक भी फ्लावरिंग नहीं रखी है मैंने, ऊपर भी रख रखे हैं गमले। ये गुलाब खिल जाएगा मेरा सावन में माता जी को चढ़ाने के लिए। देखिए गेंदे में, देखिए कटिंग से जो लगाया था गेंदा वो है, कितनी बड़ी बड़ी जड़ आई है इसमें, देख रहे हैं ऊपर तक जड़ आ रही है इसमें। आज एक फूल तो खिलना ही हो चाहिए, आज एक भी फूल नहीं खिला है क्या? आज एक ब्लू फूल खिला है, ये देखिए कल खिला था, लग रहा सूख गया क्या, आज ही खिला है, कल का है ये, देख रहे हैं कितना सुंदर है ब्लू वाला, वाइट वाला नहीं हुआ है। और फूल ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, बड़े बड़े मस्त। बारिश में पता है ये अपराजिता के फूल बहुत मस्त बड़े बड़े हो जाते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बारिश की वजह से होते हैं, इतने बड़े बड़े फूल हो जाते हैं। ये पानी पाते हैं बारिश का तो ये मस्त बड़े हो जाते हैं। वाइट वाला भी खिला है आज, नीचे देखना पड़ता है तब पता चलता है कि फूल है कि नहीं। आज इतने फूल खिले हैं, देखिए नीला वाला भी एक, ये हल्का लाइट और वाइट वाला दो फूल खिला है। ये देखिए गेंदे में कितनी जड़ें आई हैं, देख रहे हैं ऊपर तक मस्त। ये एक्चुअली मैंने कटिंग नहीं किया था इसको, तो इसमें देखिए कितनी जड़ें आई, कितनी लंबी लंबी, कितना ऊपर तक गया है पेड़ मेरा गेंदे का, देख रहे हैं वो ऊपर तक। फ्लावरिंग अभी तक इसमें नहीं हुई है एक भी, होना चाहिए लेकिन।
पता नहीं क्यों इसमें चीटे बहुत बढ़ जाते हैं। ये मेरा जो है कृष्ण कमल में देख रहे हैं, कृष्ण कमल में कितना चीटे बढ़ जाते हैं, फूल खिल रहा है तो। कृष्ण कमल के मेरे 3-4 फूल खिल चुके हैं। ये शकरकंदी ये देखिए अपने आप हुई थी शकरकंदी, ये वो क्या अनानास है लगाया मैंने, अभी अनानास आया नहीं है इसमें। देखिए भाजी ये लगाई है मैंने, ये नीम मैंने कटिंग से लगाया है, पता नहीं लगेगा कि नहीं, कटिंग से लगाया मैंने। देखिए इसकी पत्तियों को देख के तो लग रहा है लग जाएगा, नीम लगाया कि नवरात्र में इसमें जल चढ़ाने को हो जाएगा मुझे। ये देखिए ये गेंदा, ये मैंने रोड पे लगा था पूरा ऐसे ही गुच्छे में, तो मैं उखाड़ के लेके आई घर में लगा ली अपने, रोड पे लगा था तो मैंने घर पे लगा लिया।